In the eyes, and I keep you in my heart, and my heart is. हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज कुछ नया होने वाला है इस ब्लॉग में और आपको कुछ नया पता चलने वाला है इस ब्लॉग में तो देखते रहो तो आज मैं पहुंच गई हूं ईरा लुक्स ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है गुड़गांव साइड बहुत ही अच्छी यहाँ पे वेडिंग वगैरह सब कुछ होता है तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है तो जैसे मैंने एंट्री ली मैं इस पपी से मिली यहाँ पर ये पपी पहले से था मतलब काफ़ी क्यूट सा क्यूट पाया था तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई हुई हूँ तो एक्चुअली मैं यहाँ आई इसलिए आई हुई क्योंकि मैं एज ए प्रोफेशनली असिस्टेंट स्टाइलिस्ट वर्क करती हूँ तो आज मेरा शूट है मीना बाजार के साथ तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैंने कभी भी शेयर नहीं करा है कि मैं प्रोफेशनली क्या काम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो यूट्यूब वीडियो बनाना तो मेरे को बहुत पसंद है ही तो और मैं असिस्टेंट स्टाइलिस्ट भी काम करती हूँ तो वो चीज़ मैंने आज फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर किया तो आज मैं पूरा दिन आज ये शूट करूँगी कि एज असिस्टेंट स्टाइलिस्ट कैसा काम होता है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा जिनको मतलब अगर नॉलेज चाहिए होगा तो आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल जाएगी और पता चल जाएगा कैसे क्या वर्क होता है तो अभी थोड़ी देर में मैं सब कुछ दिखाती हूँ तब तक कि यहाँ की व्यू इन्जॉय करो लोकेशन इन्जॉय करो काफ़ी अच्छी है लोकेशन यहाँ की बाय द वे और ये क्यूट पपी से तो मैं हट ही नहीं रही थी बहुत ही क्यूटी क्यूटी सा था तो शूट में टाइम था तो मैं सोची मैंने सोचा थोड़ा सा मिल लेते हैं इससे तो चलो लोकेशन देखो अब आ गया है फाइनली टाइम शूट का तो मैंने सारे अपने गारमेंट्स यहाँ पे मतलब ले आए हैं जो मॉडल्स वेयर करने वाली है लाइन अप कर लिया है कि फर्स्ट लुक कौन सा सेकंड लुक कौन सा है थर्ड लुक कौन, कौन सा है तो अभी फर्स्ट लुक उन्होंने वेयर कर लिया है और मेकअप चल रहा है अभी तो ये अभी मेकअप चल रहा है फिर अभी शूट स्टार्ट भी होगा तो ये रहा शूट लोकेशन यहाँ पे अभी ट्रायल चल रहा है कि लाइटिंग अच्छी आ रही है सब कुछ सब कुछ सेट अच्छे से हो गया है वो सब ट्रायल चल रहा है तो अब ये फर्स्ट लुक है आज के शूट के लिए दो मॉडल आए हुए हैं तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट लुक के लिए सब कुछ चेक हो रहा है लाइटिंग वगैरह सब कुछ देखी जा रही है तब तक के लिए आप थोड़ी और लोकेशन इन्जॉय करें आपको लग रहा होगा कि ये तो इजीली आराम से घूम रही है मतलब असिस्टेंट स्टाइल का वर्क की क्या होता होगा तो मैं बता दूं आपको तो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे ये गारमेंट इन्होंने वेयर कर लिए तो इधर से उधर मॉडल मतलब हो रही हैं पोजेस चेंज कर रही हैं तो हमें देखना होता है गारमेंट चेंज कराने होते हैं वो अलग बट अगर हमें देखना ये भी होता है कि उनके एक भी बैंगल्स इधर से उधर हिल नहीं रहे होंगे उनकी ज्वेलरी जगह पर होगी उनके जो फ्लावर हेयर पर लगे हैं वो इधर से उधर नहीं होने चाहिए उनकी जो पल्लू है जो लाइनिंग जा रही है सारी की वो प्रॉपर होनी चाहिए कोई भी चीज़ हिलना नहीं चाहिए और ये देखो अब इतना सुंदर था ये पे एक गाड़ी लगी हुई बहुत अच्छा था तो अभी यहाँ पर हमें जाना है गारमेंट चेंज करने के लिए तो मैं ये जा रही हूँ अब ये थर्ड या फोर्थ गार्में। तो गार्मेंट तो गारमेंट से पहले हमें ज्वेलरी रिमूव करनी होती है तो और फिर हमें मॉडल को फिर से दूसरा पहनाना होता है देन ज्वेलरी ज्वेलरी की बहुत ही देखभाल करनी होती है और क्योंकि ज्वेलरी बहुत ही कॉस्टली और यहाँ के गारमेंट्स भी बहुत ही कॉस्टली होते हैं आपको पता ही होगा मीना बाजार के गारमेंट्स का तो आप ये देख सकते हो जैसे अभी वो चीज़ वो ठीक हो रही थी तो वही हमें देखना होता है कि पल्लू प्रॉपर चलनी चाहिए तो अभी थोड़ा सा ब्रेक सबका है तो इसलिए सब थोड़े खा पी रहे हैं मतलब बेबी स्नैक्स के लिए सब कुछ थोड़ा सा तो मैं भी थोड़ा अभी स्नैक पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि भूख लग जाती है यार बहुत ही टाइम हो गया था थकावट भी हो गई थी तो अभी थोड़ा सा खा पी लेते हैं फिर देन उसके बाद फिर से शूट स्टार्ट होगा और हमारा पैकअप अभी टाइम है पैकअप होने में क्योंकि अभी थ्री थर्टी हो रही है तो सिक्स ओ क्लाक का पैकअप था टाइम बट पता नहीं अभी कितना टाइम हो तो अभी वो चीज़ देखती रहनी पड़ेगी अभी थोड़ा लोकेशन भी चेंज होगा इसलिए भी थोड़ी ब्रेक हुई है तो ये है हमारा नेक्स्ट लोकेशन जो बैक साइड पे मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले तो ये हमारा बैक पे दूसरा लोकेशन है अभी थोड़े से और गारमेंट्स बचे हैं तो वो चीज़ आप देख चख सकते हो तो यहाँ पे देखो जैसे पूरे पल्लू ऐसे जो दिख रहे हैं आपको पूरी सेटअप वो करती रहनी पड़ेगी सब कुछ देखना रहता आपको एकदम बिल्कुल यहीं पर खड़ा हो रह, के रहना होगा देखना होगा कि सारे सब जगह सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सब कुछ प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा पल्लू प्रॉपर है, है कि नहीं सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं तो असिस्टेंट स्टाइलिस्ट का वर्क यही होता है कि आपको बिल्कुल ही जो आपकी स्टाइलिस्ट मैम है जो भी आपको बोल रही हैं जो आपको देखना है वो उनके अकॉर्डिंगली सब कुछ करना है सब कुछ तो अब मतलब हो ही गया है हमारा शूट ख़त्म तो अभी ये जो चल रहा है ये सेकेंड लास्ट चल रहा है इसके बाद एक और गारमेंट है देन वी आर डन बट आई एम नॉट डन क्योंकि मुझे इसके बाद गारमेंट रिटर्न के लिए भी जाना होगा जो हमने इससे पहले शूट किया था उसके गारमेंट के लिए रिटर्न के लिए मुझे जाना है तो ये अब हमारा लास्ट शूट चल रहा है ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है इसके बाद अभी इसके बाद ही हम थोड़ा खाना वाना खाने जाएंगे एंड देन फिर वी आर डन तो हमारा पैकअप हो जाएगा फटाफट से तो अभी ये लास्ट शूट है जो आप देख रहे हो ये वीडियो लास्ट है ये तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ये ख़त्म हो फिर मैं जाऊँ तो यही जो भी देखा आपने बस यही होता है हमारा काम यस गाइस तो गाइज ऐसे ही होता है प्रॉपर ऐसे तरीके से काम होता है सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से जब अपना अपना, 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 बहुती, सब अपना अपना रोल निभाते हैं मेकअप आर्टिस्ट अपना स्टाइलिस्ट अपना असिस्टेंट स्टाइलिस्ट अपने मेकअप आर्टिस्ट अपना हेयर स्टाइलिस्ट अपना वर्क निभाते हैं फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बहुत ही सब कुछ बहुत ही मेहनत करते हैं तो अब यहाँ पे आ गए हैं हम लंच करने के लिए एंड देन इसके बाद हम चले जाएंगे अपने अपने घर नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को रिटर्न के लिए भी जाना है गवर्नमेंट कालेज यस तो अभी मैं जैसे पेट भर लेती हूँ देन इसके बाद मैं निकलूँगी अपने घर के लिए अरे यार घर नहीं पहले रिटर्न करने के लिए महरोली जाना है वरुण बैल के स्टूडियो पर तो अभी वी आर डन और हमारा पैकअप हो चुका है अब हम जा रहे हैं यस आई एम सो हैप्पी तो फटाफट से हम निकल गए हैं अपने अपने जगह के लिए जहाँ हमें जाना है तो यस तो यहाँ मैंने मतलब बाय बाय कर दिया आपको एंड देन फिर चेंज करने के बाद मैं निकल गई हूँ कैब से गारमेंट कलेक्ट करने के लिए पहले मुझे गारमेंट कलेक्ट करना था तो मैंने कलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी फिर मैं आ गई हूँ बाहर और मैं यहाँ पे आके कैब का वेट कर रही हूँ कि कैब आए और फटाफट से मैं उसमें बैठूँ और फटाफट से जाऊँ ओ माई गॉड चलो आप भी मेरे साथ इन्जॉय तो गाइज़ मैं पहुंच गई हूँ अपनी लोकेशन पे वरून दहल के स्टूडियो के बाहर खड़ी हूँ मैं और मैंने गारमेंट्स भी वापस कर दिए हैं मैंने बाद में वीडियो बनाना स्टार्ट कराया तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर मैंने कैब बुला ली है कैब भी आने वाली है फटाफट से तो अगर गाइज आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो मुझसे कि अगर आप इस लाइन में हो इस टाइप के काम करते हो तो कुछ भी आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी बाय अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल टाटा लव यू कमेंट्स